लव स्टोरी का अगला एपिसोड। यश यही सोच रही थी कि उस इंसान को देखकर ही मालूम चल रहा था कि वो कितना गुस्से वाला इंसान होगा, लेकिन उसने मन में सोच लिया था कि इस जॉब पर उसका घर और उसके भाई की पढ़ाई डिपेंड करती है, तो वो उसको बिल्कुल भी नाराज नहीं करेगी। यश अभी इस बात से अनजान थी कि श्रेया से वो पहले भी मिल चुकी है और एकांश ने तभी उसे देख लिया था। यश सोचते सोचते सो चुकी थी। उसकी आंख तब खुली जब सिया ने उसके घर का डोर नॉक किया। वो पहले से ही पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लाई थी। यश्टी ने उसको घर के अंदर बुलाया तो सिया ने घर के अंदर एंटर होते होते यश्टी से पूछा, कौन सी मूवी देखनी है? बट हॉरर ही चूज करना, यू नो माय चॉइस। यश्टी ने हंसते हुए कहा, जब चॉइस दे रही है तो तू खुद ही चूज कर लेना, मैं तो कुछ भी देख लूंगी। सिया ने यश्टी के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, हाय मेरी प्यारी सी भोली सी गरीब, चल मैं ही सोच लेती हूँ। और इतना कहते हुए सिया ने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक को सेंटर टेबल पर रखा और टीवी पर ओटीटी पर एक हॉरर मूवी लगा दी। दोनों ने लगभग 12 बजे तक मूवी देखी। फिर सोने से पहले यश्टी को अचानक से याद आया, यार मैं तो भूल गई, कुछ पैकिंग भी तो करनी है। सिया ने हैरान होते हुए पूछा, किस चीज की पैकिंग? यश्टी ने सिया से कहा, यार मुझे उसी घर में रहना होगा उस बच्ची के साथ, ये जॉब एक तरह से 24 घंटे की होगी, क्या पता उसे कब मेरी जरूरत पड़ जाए। सिया ने यश्टी को चिढ़ाते हुए कहा, यार यश्टी तू तो उसकी माँ की तरह साउंड कर रही है, कहीं तुझे उसके डैड पसंद तो नहीं आ गए। यश्टी ने सिया को हल्का सा डांटते हुए कहा, चुप कर यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके डैड हैंडसम और गुड लुकिंग है, मैं सिर्फ अपना काम करने जा रही हूँ। सिया ने यश्टी की टांग खींचते हुए कहा, ओह तो ये बात है, इतना नोटिस करके आई है तू और अब ऐसे बन रही है मेरे सामने, चल एनीवेज ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब। यश्टी ने मुंह बनाते हुए कहा, यार सिया अगर तेरी पटर पटर बंद हो गई तो प्लीज मेरी पैकिंग करवा देना, मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। सिया ने यश्टी की पैकिंग करवाई और फिर वो लोग सोने के लिए चले गए। यश्टी के दिमाग में सिया की कही हुई बातें घूम रही थी। वो इंसान वाकई में काफी हैंडसम है, पता नहीं उसकी वाइफ मर चुकी है या उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो उस लड़की से मतलब है, पता नहीं कौन है और कैसी है। अब उसने करवट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। यश्टी अभी इस बात से अनजान थी कि वो एकांश की भतीजी थी, ना कि उसकी बेटी। उसका श्रेया के लिए कंसर्न देखकर किसी को भी यही लगता कि वो उसकी ही बेटी है, लेकिन ये सच अभी यश्टी के सामने नहीं आया था। यश्टी जल्दी ही सो गई। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली तो वो जल्दी से फ्रेश हुई और जाने के लिए रेडी हो गई। उसने एक नोट लिखकर सिया के पास वाली टेबल पर रखा जिसमें उसने लिखा था, गुड मॉर्निंग बटर बटर, मैं जा रही हूँ, घर को अच्छे से लॉक करके चाबी अपने पास ही रख लेना और मेरे प्लांट्स को पानी भी देते रहना, अगर मुझे अच्छी जगह मिली तो मैं अपने प्लांट्स ले जाऊंगी, बाय जल्दी मिलते हैं। यश्टी ने टैक्सी पकड़ी और वो लगभग 8 बजे तक एकांश के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। एकांश ने उसे 9 बजे बुलाया, लेकिन कल के बाद वो लेट आने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यश्टी को सबसे पहले अनुज मिला जिससे यश्टी ने एकांश से मिलने का पूछा। आज तो अनुज का तेवर बदला हुआ था, आखिरकार यश्टी काफी खूबसूरत थी और उसको देखकर कोई भी इम्प्रेस हो सकता था, और अब वो उसी घर में काम करने वाली थी तो उससे लड़का तो काम नहीं किया जा सकता। सोचकर अनुज उसे एकांश के पास लेकर गया, लेकिन एकांश अभी जिम में था तो अनुज ने यश्टी को हॉल में वेट करने के लिए कहा। यश्टी वही हॉल में बैठ गई। काफी देर तक जब एकांश नहीं आया तो यश्टी बैठे बैठे बोर होने लगी, उसे तो बस उस लड़की से मिलने की इच्छा थी। अब उसे प्यास भी लगने लगी थी, लेकिन किससे पानी को बोले सोचकर वो किचन ढूंढने लगी, लेकिन इतने बड़े घर में किचन कहाँ हो सकता है, सोचकर वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा ही रही थी कि उसने गलती से एकांश के जिम का डोर खोल दिया। जिस समय उसने डोर खोला था उस समय एकांश ने भी उस डोर को अंदर की तरफ से खोल दिया बाहर आने के लिए, लेकिन वो यश्टी के बाहर होने के बाद से एकदम अनजान था। जैसे ही उसने वो डोर खोला उसकी और यश्टी की काफी जोर से टक्कर हो गई। यश्टी गिरने को हुई तो उसने एकांश की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। एकांश इस समय पसीने से पूरी तरह नहाया हुआ था, उसने भी यश्टी को गिरने से बचाने के लिए उसे कमर से थाम लिया। एकांश ने उसे उस समय पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यश्टी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं किचन ढूंढ रही थी। एकांश ने उससे गुस्से में पूछा, तो तुम्हें ये किचन लग रहा है? Can't you read it? Do not enter. अगर तुम्हें प्यासी लगी थी तो सुनीता जी से बोल देना चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वही तुम्हें प्रोवाइड करेंगी, आगे से तुम्हें स्टूम के आसपास भी नजर नहीं आओगे, मुझे ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अपनी बात को पूरा करते हुए एकांश ने यश्टी को सीधा खड़ा किया, लेकिन यश्टी ने अभी भी एकांश की टी शर्ट को पकड़ा हुआ था। जब एकांश ने यश्टी के हाथ को पकड़कर अपनी टी शर्ट को छुड़ाया तो यश्टी थोड़ी झेप गई, उसने अपनी नजरों को नीचे किया और वहां से बाहर आ गई। उसके दिल की धड़कनें दोगुनी स्पीड से बढ़ चुकी थी। एकांश के करीब आने से यश्टी में भी एकांश की सेंट की खुशबू आने लगी थी। यश्टी जब दौड़कर बाहर आई तो वो सुनीता जी से टकराते टकराते बची। सुनीता जी ने एकदम पहचान लिया कि ये श्रेया की नई नानी है, लेकिन ये एकांश के जिम की तरफ से कैसे आ रही है? सुनीता जी एकांश के गुस्से को अच्छे से जानती थी, किसी को भी अपने पर्सनल स्पेस में आने की इजाजत नहीं देता है, फिर तो जरूर उसने इस लड़की को डांटा होगा। सुनीता जी ने यश्टी से पूछा, बेटा आप एकांश के जिम के बाहर क्या कर रही थी? आप श्रेया बेटी की नानी है ना? यश्टी ने सफाई देते हुए कहा, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं बस किचन ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर में कोई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सुनीता ने यश्टी को समझाते हुए कहा, वो एकांश बेटा को किसी का भी अपने रूम और जिम में आना पसंद नहीं है, वो अपने पर्सनल स्पेस में किसी को नहीं आने देते,
मैं भी बस सफाई के लिए वहां जाती हूँ। चलो अब ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें पानी देती हूँ पीने के लिए। बोलते हुए वो यष्टि को अपने साथ ले गए। अभी यष्टि का श्रेया से मिलना बाकी था। सुनीता जी ने यष्टि को किचन दिखाया और उसे बोलकर वो श्रेया को लेने रूम में चली गई। सुनीता जी ने एकांश के कहने पर यष्टि के लिए श्रेया के बगल वाला रूम तैयार करवा दिया था। ये रूम श्रेया और एकांश के रूम के बीच में पड़ता था। एकांश ने जानबूझकर यष्टि का रूम श्रेया के रूम के पास रखवाया था ताकि वो किसी भी समय उसका ख्याल रख सके। यष्टि का सामान रूम में पहुंच चुका था। यष्टि जब से एकांश से टकराई थी उसे अपने अंदर से एकांश के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी जो उसे काम पर फोकस करने नहीं दे रही थी। लेकिन अभी सुनीता जी श्रेया को लेकर आने वाली थी तो वो नहाने भी नहीं जा सकती थी। अब तो उसे पूरा दिन इसी परफ्यूम की स्मेल के साथ गुजारना था। ये खुशबू बुरी नहीं थी, बस थोड़ी मानली थी जिसकी वजह से यष्टि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। सुनीता जी श्रेया को लेकर नीचे आ गई। जब यष्टि की नजर श्रेया पर पड़ी तो उसने उसे फौरन पहचान लिया। क्या ये वही लड़की है जिससे वो कल ट्रैफिक सिग्नल पर मिली थी? सच में दुनिया एकदम गोल है। किस तरह से ऊपर वाले ने यष्टि को और उस क्यूट और इनोसेंट बच्चे को मिलाया था। 3 साल की वो छोटी सी क्यूट बच्ची एकदम गोल गुलाबी गाल और प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें, कोई भी एक बार देख ले तो उसे भुला नहीं पाए। श्रेया ने भी यष्टि को देखकर अपनी नजरें उठाई जो वो बहुत कम किया करती थी, लेकिन उसने ऐसा आज यष्टि को देखकर किया था। एकांश भी ये सब दूर से ही खड़े होकर नोटिस कर रहा था और सुनीता जी ने भी ये सब कुछ नोटिस कर लिया था। एकांश मन में सोच रहा था, सच में इस लड़की में कुछ तो बात है जो श्रेया जो कि किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती, आज उस लड़की को देखकर दूसरी बार रिएक्ट कर रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन यष्टि के आने के बाद से एकांश को लगा कि अब वो बेफिक्र होकर अपने ऑफिस जा सकता है। उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया और अपना लैपटॉप बैग उठाकर वो फौरन ऑफिस के लिए निकल गया। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलते हैं आपसे। इस इंटरेस्टिंग कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि ने श्रेया से हाथ मिलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा, हेलो बेटा, मुझे पहचाना आपने? मैं हूँ टैक्सी वाली आंटी। श्रेया ने बस उसे देखा और कोई जवाब नहीं दिया। यष्टि के दिमाग में यही आ रहा था, आखिर क्या बात है जो ये बच्ची ऐसी हालत में है? क्या उसके डैड इसका ध्यान नहीं रखते? लेकिन उसके डैड जिस तरह से कल इंटरव्यू ले रहे थे देखकर तो नहीं लगता कि वो श्रेया का ख्याल नहीं रखते होंगे। मेरे से पहले तो पता नहीं कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हो चुके थे। तो यष्टि ने सोचा कि क्या उसे सुनीता जी से पूछ लेना चाहिए, लेकिन आज उसका पहला दिन था तो ये काफी जल्दी हो जाता कि वो उस बच्ची के बारे में जानने की कोशिश करती। उसने श्रेया को अपनी गोद में लिया और उसे लेकर वो डाइनिंग टेबल पर आ गई उसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए। सुनीता जी मन में यही सोच रही थी, श्रेया बेटी को खाना खिलाना तो सच में बहुत मुश्किल काम है, क्या ये लड़की कर भी पाएगी? लेकिन यष्टि ने जो ट्रिक अपनाई थी वो बेहद यूनिक थी किसी बच्चे को खाना खिलाने के लिए। उसने श्रेया को मनाते हुए कहा, बेटा आपको पता है आपके पेट से आवाजें आ रही है, आपका टमी भाते कर रहा है, उसको भूख लगी है, अगर आपने खाना नहीं खाया ना तो बेचारा उदास हो जाएगा, और किसी को उदास करना अच्छी बात नहीं होती है ना, मैं तो कभी भी नहीं करती किसी को उदास। इतना कहते हुए यष्टि ने एक ब्रेड टोस्ट पर बटर लगाया और श्रेया की तरफ बढ़ा दिया। श्रेया अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से यष्टि की तरफ ही देख रही थी। उसने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। यष्टि श्रेया को पहले दिन ही खाना खिलाने में कामयाब हो गई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो उसके लिए बेहद आसान काम था। ये सब देखकर सुनीता जी भी काफी हैरान थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की ऐसा कर सकती है। इस बार लगता है एकांश बेटा ने एकदम सही लड़की को चुना है श्रेया के लिए। सुनीता जी के पास एकांश का टेलीफोन आता था श्रेया के बारे में पूछने के लिए। आज भी ठीक 11 बजे सुनीता जी के पास एकांश का फोन आया। उसने फोन उठाते हुए कहा, क्या श्रेया ने खाना खाया? एकांश ने अपनी भारी आवाज में सुनीता जी से फोन पर पूछा। इस पर सुनीता जी ने खुश होते हुए कहा, बेटा ये लड़की तो सच में कमाल की है, इसने तो श्रेया बेटी को उसके डमी की कहानी सुनाकर खाना खिला दिया और श्रेया बेटी ने एक बार में खाना खा भी लिया। लगता है डिसीजन एकदम सही है इस लड़की को हार करने का। सुनीता की बात सुनकर एकांश थोड़ा रिलैक्स हुआ, अब वो आसानी से अपने काम पर फोकस कर सकता था। इधर यष्टि ने ब्रेकफास्ट के बाद श्रेया को अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर वो हॉल में आ गई और टीवी को ऑन कर दिया। टीवी पर उसने कार्टून्स लगाए और उसके साथ बैठकर ही देखने लगी। सुनीता जी ने यष्टि से कहा, बेटा एकांश बाबा ने श्रेया के लिए टीवी देखने का टाइम फिक्स किया है जब वो उसके साथ होते हैं। यष्टि ने हैरान होते हुए कहा, उन्हें कैसे पता कि श्रेया को इसी टाइम टीवी देखना है? ये तो बेचारी बोल भी नहीं सकती, देखो कितने इंटरेस्ट से देख रही है। सुनीता जी को यष्टि की ये बात ठीक लगी, जब श्रेया का मन हो उसे तभी टीवी देखने देना चाहिए। वो आगे कुछ भी नहीं बोली। यष्टि और श्रेया वहीं बैठकर लगभग 1 घंटे तक कार्टून्स देखते रहे। इसके बाद श्रेया की पलकें नींद से भारी होने लगी। यष्टि ने श्रेया के सर को सहारा दिया और उसको अपने ऊपर टिका लिया। श्रेया को लेकर ऐसे बैठी थी जैसे वो दोनों माँ बेटी हैं। यष्टि की आंख भी वहीं बैठे बैठे लग गई। इधर एकांश भी आज बीच में किसी काम से घर वापस आया था। जब वो हॉल में आया तो उसने हॉल में श्रेया को यष्टि के सीने से लगकर सोते हुए देखा। दोनों साथ में सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। टीवी इस समय ऑफ था तो एकांश को आइडिया नहीं लगा कि यष्टि ने उसके रूल्स का वोलेशन किया है। एकांश ने कुछ समय तक उन्हें देखा, फिर वो वहां से अपने रूम में चला गया। यष्टि अभी भी सो रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने श्रेया को उठाया ताकि वो उसको लंच कराते।
श्रेया ने अपने दोनों हाथ यष्टि के गले में डाले और यष्टि उसे गोद में लेकर डाइनिंग टेबल पर ले गई। यष्टि ने श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और श्रेया के पेट पर अपना कान लगाकर कहा, तुम्हें फिर से भूख लगी है, लेकिन देखो श्रेया तो अपना मुंह ही नहीं खोल रही खाने के लिए। क्या कहा तुमने? श्रेया से दोस्ती खत, अगर वो खाना नहीं खाएगी। मेरी श्रेया बेटी बहुत अच्छी है, वो खाना जरूर खाएगी। अपनी बातों के जाल में श्रेया को उलझाते हुए यष्टि ने एक बार फिर से श्रेया को खाना खिलाया। यष्टि की ये ट्रिक एकांश दूर खड़े होकर देख रहा था। उसे यष्टि की ये ट्रिक काफी पसंद आई थी, लेकिन ये भी सिर्फ वही कर सकती थी। शायद एकांश ऐसा करके भी श्रेया को खाना ना खिला पाए। यष्टि ने जब एकांश के कदमों की आवाज सुनी तो उसे पता चला कि एकांश इस समय वही उसके पीछे ही है। उसने भी यष्टि को ऐसा करते हुए देख लिया होगा, सोचकर वो झेप गई। एकांश बड़ी तेजी से ये जताए बिना कि उसने उसे देखा है वहां से निकल गया। अब जाकर यष्टि ने गहरी सांस ली। आज सुबह वाली मुलाकात के बाद तो यष्टि वैसे भी एकांश की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पा रही थी। अब जब यष्टि ने श्रेया को खाना खिला दिया तो वो उसे बाहर वॉक के लिए लेकर गई। उसे पता था कि इससे श्रेया का दिमाग फ्रेश होगा। सुनीता जी ये बताना भूल गई थी कि एकांश श्रेया को बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि एकांश ये बात अच्छे से जानता था कि इससे श्रेया की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यष्टि को ये सब नहीं पता था। आखिर में रात का खाना श्रेया को खिलाकर यष्टि काफी थक चुकी थी, क्योंकि वो आज ज्यादातर दिन श्रेया को अपनी गोद में लेकर घूम रही थी। यष्टि ने श्रेया को उसके रूम में सुला दिया और वो जाकर बिना चेंज किए ही बेड पर आकर लेट गई। यष्टि को बेड पर लेटते ही काफी गहरी नींद आ गई। उसको उस बेड से वही खुशबू आ रही थी जो आज सुबह एकांश से टक्कर होने के बाद उसके खुद के अंदर आने लगी थी। एकांश भी बाहर से किसी बिजनेस मीटिंग में डिनर करके आया था। उसने भी बस अपने रूम में आकर नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अपने लैपटॉप बैग को टेबल पर रखा और अपनी कोट को उतार कर उसने अपनी टाई ढीली की, जिसके बाद अपनी शर्ट के बटन्स को खोलकर उसने अपनी शर्ट को निकालकर पास के सोफे पर फेंक दिया। एकांश भी अब अपने बेड पर आकर लेट गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यष्टि उसके बेड के दूसरे कोने में पिलो को अपनी बाहों में दबाकर सो गई थी। वो बेड काफी ज्यादा बड़ा था, तो एकांश भी एक कोने में बिना इस एहसास के सो गया कि उसके रिस्ट्रिक्टेड एरिया में किसी ने उसकी परमिशन के बिना एंट्री ले लिया। रात को जब आधी रात में सोते हुए एकांश को अपने चेहरे के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ तो उसने आधी रात में ही अपने हाथ से टटोला। उसके हाथ यष्टि के कोमल और नाजुक होठों से छू गए। यष्टि अभी भी एकदम बेहोश होकर सो रही थी थकान की वजह से। एकांश ने अपने हाथों को थोड़ा और नीचे किया तो उसके हाथ यष्टि की चेस्ट पर जा चुके थे, जिसके बाद एकांश की फौरन आंख खुल गई। उसने नोटिस किया कि यष्टि एकदम उसके पास ही लेटी हुई है और अभी भी एकांश के हाथ यष्टि की चेस्ट पर ही थे। एकांश ने एकदम से अपने हाथ पीछे खींचे। यष्टि के अपने नजदीक होने के एहसास से एकांश की आईब्रो तन गई। उसने यष्टि का शोल्डर हिलाकर उसे उठाना चाहा। तब यष्टि ने अपने दोनों हाथों को एकांश के गले में डाल दिया और उसे अपने होठों के एकदम करीब झुका लिया। आप तो एकांश के पेशेंस ने जवाब दे दिया था। उसने यष्टि के हाथों को अपने गले से निकालकर झटका और उसे झकझोर कर उठाया। एकांश ने खुद से कहा, वेगा। यष्टि जैसे ही उठी तो वो चौंक कर उल्टा एकांश पर चिल्लाने लगी, आप क्या कर रहे हैं मेरे रूम में? एकांश ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल का लैंप जलाते हुए रूम को रोशन करते हुए गुस्से में कहा, ये तुम्हारा रूम नहीं है, मेरा रूम है और ये मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यष्टि ने जब नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि वो एकांश के बेड पर थी। ये उसको ऐसे पता चला क्योंकि उस रूम में बेड के पीछे वाली वॉल पर उसकी खुद की एक काफी बड़ी और बेहद खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई थी। यष्टि फौरन वहां से उतर कर दूर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब तो पक्का उसकी नौकरी गई, आखिर उसने एक ही दिन में दो प्लंडर जो कर दिए थे। इधर एकांश यष्टि के चेहरे को देखकर इतना तो समझ गया था कि यष्टि ने ये सब अनजाने में किया था, क्योंकि वो खुद भी काफी ज्यादा शर्मिंदा थी। एकांश ने अब उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहा तो उसकी नजर यष्टि की चेस्ट पर गई, जिस पर कुछ टाइम पहले एक्सीडेंटली एकांश के हाथ थे। फिर उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया और यष्टि को डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलते हैं आपसे। दोस्तों मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि इस समय एकांश के गुस्से से काफी डर गई थी। वो फौरन दौड़ती हुई उसके रूम के बाहर आ गई। उसने जैसे ही डोर बंद किया तो उसने नोटिस किया कि उसके और श्रेया के बीच वाला रूम उसके लिए तैयार किया गया था, जिसके कंफ्यूजन में वो एकांश के रूम में जाकर सो गई थी। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी अपने इस समय किए हुए ब्लंडर पर कि वो कैसे किसी अनजान इंसान के साथ उसके बिस्तर में सो सकती है। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। यष्टि ने अपने रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो वहां पर उसका सामान रखा हुआ था। अब तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगी। इधर एकांश जब वापस सोने की कोशिश करने लगा तो उसे बेड में से यष्टि के फेमिनाइन परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जिससे उसके लिए सोना मुश्किल हो रहा था। एकांश ने उठकर अपने लिए दूसरा पैकेट निकाला ताकि कम से कम अब उसे सिर्फ बेडशीट से आती हुई यष्टि के परफ्यूम की खुशबू बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन अभी उसे वो स्मेल सोने नहीं दे रही थी। एकांश दौड़ते हुए अपने ड्राइवर से अपना परफ्यूम लेकर आया और उसने उसे बेड पर स्प्रे कर दिया ताकि अब उसे अपने ही परफ्यूम की स्मेल आए। अब एकांश ब्लैंकेट ओढ़ कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की उसके दिमाग में वही ख्याल आया जब उसके हाथ यष्टि के शरीर से छू गए थे। अब एकांश ने गुस्से में अपनी आंखें खोली। उसको इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर यष्टि उसकी मजबूरी नहीं होती तो वो उसे इसी समय जॉब से बाहर निकाल देता।
इधर यष्टि इस बात का शुक्र मना रही थी कि एकांश ने उसे जॉब से नहीं निकाला, क्योंकि उसे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सुबह को एकांश के रिएक्शन को लेकर उसे फिक्र जरूर हो रही थी। यष्टि ने अपना ब्लैंकेट उठाया और उड़कर एक बार फिर से सो गई। उसे तो अभी भी बहुत जल्दी नींद आ गई थी। लेकिन इधर एकांश उसके इस तरह से अपने रूम में अपने करीब आने से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चीजों को उसने टच करके खराब कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ अपने हाथों पर यष्टि के टच के एहसास को भी वो भूल नहीं पा रहा था। ये पहली बार था जब एकांश ने किसी लड़की को इस तरह से छुआ था। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जो एकांश लड़कियों से दूर रहता था और किसी को भी अपने रूम और अपने करीब आने की इजाजत नहीं देता था। एकांश के लिए जब उस रूम में रुकना मुश्किल हुआ तो वो वहां से उठकर गेस्ट रूम में जाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने सुनीता जी से बोलकर सबसे पहले अपनी बेडशीट चेंज करवाई। इसके बाद एकांश रेडी होकर अपने जिम गया, जबकि इधर यष्टि अब तक नहाकर रेडी होकर श्रेया के रूम में आ चुकी थी। श्रेया अभी भी सोई हुई थी तो यष्टि वहीं पास में बैठकर बुक पढ़ने लगी। इधर एकांश भी जिम करके सीधे श्रेया के रूम में आया उसे देखने के लिए। एकांश ने श्रेया के रूम का डोर हल्का सा खोला तो उसे श्रेया के सिरहाने यष्टि बैठी हुई दिखाई दी। उसके हाथों में बुक थी और वो पढ़ने में बिजी थी। उसका ध्यान नहीं गया कि उसको कोई दरवाजे पर से देख रहा है। यष्टि ने बीच में अपनी बुक साइड में रखी और श्रेया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा श्रेया गुड मॉर्निंग हो गई प्रिंसेस, मॉर्निंग की फ्रेश एयर आपका वेट कर रही है, चलो यष्टि आंटी के साथ बाहर चलो। यष्टि की प्यार भरी आवाज सुनकर श्रेया अपनी आंखें मलती हुई उठी और उसने यष्टि को हग कर लिया, जो कि एकांश के लिए काफी सरप्राइजिंग था। यष्टि ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर लेकर आने लगी तो एकांश वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। यष्टि श्रेया को लेकर सबसे पहले बाहर गार्डन में गई। एकांश अपने रूम में आकर नहा धोकर फ्रेश हो चुका था। यष्टि भी श्रेया को बाहर गार्डन से सीधे उसके रूम में लेकर आ गई थी ताकि वो उसे गर्म पानी से नहला सके और फिर वो उसे उसके रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट करा सके। एकांश भी रेडी होकर नीचे आ गया था। वो हॉल में पड़े सोफे पर बैठकर आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जबकि यष्टि श्रेया को नहलाकर बाहर ले आई। नीचे आते वक्त उसने नोटिस किया कि एकांश न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी है। उसका हैंडसम चेहरा न्यूज़पेपर से ढका हुआ था। यष्टि ने नीचे आकर सुनीता जी से कहा, सुनीता जी श्रेया का ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाऊंगी, श्रेया मेरे हाथ का बना खाना खाएगी आज से। और इतना कहते हुए वो श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर सीधे किचन में चली गई। एकांश ने ये सब अपने कानों से सुना था। उसे श्रेया की लाइफ में ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा था तो उसने अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड करके साइड में रखा और किचन में यष्टि के पास गया और कहा, तुम्हें श्रेया के लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए कुक है, उसके खाने का रूटीन ऑलरेडी बना हुआ है उसके डाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो कि उसके लिए हेल्दी है, तो बेटर होगा कि तुम इन सब में मत पड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तभी आपकी बेटी खाना खाना नहीं चाहती, आपको तो पता भी नहीं है कि उसके लिए मैं क्या बनाने वाली थी, फिर भी आप मुझे मना कर रहे हो। मैं बस चाहती हूँ कि वो रोज रोज रूटीन से खाना खाने की जगह अपनी पसंद का टेस्टी और हेल्दी खाना खाए। और किसने कह दिया कि टेस्टी खाना हेल्दी नहीं होता? एकांश ने जवाब दिया, यही तो तुम्हारा काम है कि वो अपने सभी काम टाइम से करे, अब तुम इसमें चेंजेस करने की कोशिश मत करो, मुझे ये पसंद नहीं। अब जब श्रेया की बात थी तो यष्टि भी चुप नहीं रही, क्योंकि कल से वो देख रही थी एकांश ने श्रेया की लाइफ को पूरी तरह से रोबोटिक बना दिया था। उसने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, कैसे माँ बाप अपनी बेटी को कैसे कैद करके रखा है आपने, उसके उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, घूमने का टाइम, टीवी देखने का टाइम सब ऐसे फिक्स कर रखा है जैसे वो कोई रोबोट है, तभी तो वो सिर्फ एक बेजान सी मूर्ति बनकर रह गई है। एकांश का गुस्सा यष्टि की ये बात सुनकर अब काफी बढ़ चुका था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उससे इस तरह से बात कर सके, लेकिन यष्टि की हिम्मत को देखकर उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई श्रेया को लगा कि उसके चाचा यष्टि से लड़ रहे हैं, तो वो दौड़कर किचन में गई और जाकर उसने यष्टि के टांगों को अपने छोटे छोटे हाथों से कसकर हग कर लिया। यष्टि उसकी इस चोट से एकदम से शांत हो गई, उसे पता चल गया कि श्रेया इन सबसे घबरा रही है। ये एक चीज एकांश ने भी नोटिस कर ली थी। उसने अब आगे कुछ नहीं बोला, वो घुटनों के बल बैठा और श्रेया को अपने पास खींचते हुए बड़े प्यार से बोला, बेटा सॉरी अपने चाचा को माफ कर दो, मैं आपकी यष्टि आंटी को डांट नहीं रहा था, हम लोग बस बातें कर रहे थे, बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं, ठहरा यष्टि। उसने नजरें उठाकर यष्टि की तरफ देखा और उसे अपनी हाँ में हाँ मिलाने का इशारा किया। यष्टि भी नीचे बैठी और श्रेया से कहा, हाँ बेटा हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे, आप परेशान मत हो। अपनी बात पूरी करते हुए उसने श्रेया को कमर से पकड़ा तो वहां पर एकांश के हाथ पहले से मौजूद थे। अब यष्टि के हाथ एकांश के हाथों से छू गए। यष्टि के टच से एकांश को कल रात वाली बात याद आने लगी, उसने एकदम से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। एकांश की नजरें एक बार फिर से यष्टि के होठों से होकर उसके चेस्ट पर गई। उसने अपने आप को किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट किया और श्रेया के माथे पर किस करके वो किचन से बाहर आ गया। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा और अपना लैपटॉप बैग उठाकर वहां से जाने के लिए रेडी हो गया। सुनीता जी ने एकांश को पीछे से आवाज देते हुए कहा, एकांश बेटा ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। एकांश ने बिना बड़े जवाब दिया, नहीं सुनीता जी मेरी एक मीटिंग है तो मैं ऑफिस में लंच और ब्रेकफास्ट कर लूंगा, बोलते हुए वो वहां से बाहर चला गया। सुनीता जी को खुद भी यष्टि की बात सही लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि श्रेया इसलिए खाना नहीं खाना चाहती क्योंकि उसके लिए डेज के हिसाब से खाना फिक्स था और जब कोई रोज एक जैसा खाना खाएगा तो उसका बोर होना तो लाजमी है। वैसे तो एकांश खुद अपनी लाइफ में इसी तरह का रूटीन फॉलो करता था, लेकिन वही रूल्स उसने श्रेया के लिए भी बना रखे थे।
यष्टि ने आज श्रेया के लिए टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया और आज उसे ब्रेकफास्ट कराने के लिए कोई कहानी भी नहीं सुनानी पड़ी। श्रेया ने बहुत ही शौक से वो ब्रेकफास्ट खा लिया। इधर एक अंश अपने ऑफिस में आकर अपने केबिन में बैठा और उसने अपने असिस्टेंट को फोन किया। हेलो अनुज, मेरे लिए मेरे रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट भिजवाओ मेरे केबिन में। और अपनी बात कहते ही उसने फोन रख दिया। अनुज को पता था कि वो क्या खा रहा है। अगले कुछ समय में उसके ऑफिस में रखी हुई कॉफी टेबल पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लग चुका था। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड